Okay, so we will start with a very quick revision of what we have learned in the last session. पिछले लेक्चर में हमने एरर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, उसमें एरर में वी हैव सीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर. सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वी हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर वी हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर राइट. देन तो हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट ऑफ ऑल बाय डिफाइनिंग व्हाट इज मीन वैल्यू. और मीन वैल्यू की जरूरत क्यों थी, क्योंकि हमारे पास ट्रू वैल्यू नहीं था. एरर बाय डेफिनेशन होता है डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू. तो एरर फाइंड करने के लिए हमको ट्रू वैल्यू पता होना चाहिए, और ट्रू वैल्यू नहीं पता था, इसलिए हमने क्या फाइंड किया, मीन. मीन मतलब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, इसको हमने क्या बोला था, ट्रू वैल्यू. तो पहले कॉन्सेप्ट एकदम कॉन्क्रीट चाहिए. द आइडिया हियर इज, हमारे पास ट्रू वैल्यू नहीं है तो हमने एन नंबर ऑफ रीडिंग्स ले लिए, एन नंबर ऑफ रीडिंग्स का मीन ले लिया, और इस मीन को बोल दिया ये है ट्रू वैल्यू. और मीन कैसे लेते हो, सम ऑफ नंबर ऑफ रीडिंग्स a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an डिवाइडेड बाय n राइट. इसको हमने क्या माना है, ट्रू वैल्यू. बाय डेफिनेशन एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस ईच वैल्यू, ईच मेजरमेंट. तो मीन वैल्यू माइनस a1, ये आ गया एरर इन a1. मीन वैल्यू माइनस a2, ये आ गया एरर इन a2. मीन वैल्यू माइनस a3, दिस विल बी एरर इन a3. लेकिन क्योंकि ये एरर्स कोई पॉजिटिव आ रहा है कोई नेगेटिव आ रहा है, तो हमने ले लिया इसका मॉड वैल्यू. मॉड को बोलते हो एब्सोल्यूट. तो ये जो एरर्स है इसको मैं बोलता एब्सोल्यूट एरर इन a1, एब्सोल्यूट एरर इन a2, एब्सोल्यूट एरर इन a3 राइट. तो ये सारे के सारे क्या थे, एब्सोल्यूट एरर थे. और एब्सोल्यूट एरर को डिफाइन कैसे करते हो, द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड ईच मेजर्ड वैल्यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस. क्यों मैग्नीट्यूड, क्योंकि पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है. तो हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ले लो. द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड ईच मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर. अब प्रॉब्लम यह था कि हम किसी भी मेजरमेंट को लिखते कैसे हैं. मेजरमेंट को डिनोट करने के लिए हम मेजरमेंट along with its error लिखते हैं a plus minus delta a, where a क्या होता है, true value होता है. true value किसको बोला है, mean को. तो यहाँ पे क्या लिखोगे, mean. अब problem क्या आ गया कि mean plus minus error in a, लेकिन error in a तो हमारे पास error in a1 भी है, error in a2 भी है, error in a3 भी है, तो किसको लेंगे, तो वापस क्या करेंगे, mean लेंगे. लेकिन किसका मीन लेंगे, एरर का मीन लेंगे. ये कौन से एरर थे, एब्सोल्यूट एरर थे. तो हम इन सारे एब्सोल्यूट एरर का मीन लेते हैं, उसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर राइट. तो व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर, द मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स इज कॉल्ड एज मीन एब्सोल्यूट एरर. तो ट्रू वैल्यू मतलब मीन वैल्यू, मीन वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यू इज एरर. हमारे पास ऐसे बहुत सारे एरर आए, तो कौन से एरर को ट्रू मानेंगे, नहीं बोल सकते. जैसे कौन से रीडिंग को ट्रू मानेंगे, तो क्या किया, मीन ले लिया. वैसे ही हमारे पास बहुत सारे एरर के वैल्यूज है, तो किसको ट्रू मानेंगे, नहीं बोल सकते, तो क्या किया, मीन ले लिया. तो मीन एब्सोल्यूट एरर इज द मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर. क्लियर यहां तक, क्लियर. Then, अगर मैं मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड कर देता हूं, तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर. सो रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू दैट ऑफ मीन वैल्यू. क्लियर है तक, राइट. अगर मुझे इसी को परसेंटेज में डिनोट करना है, तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं.
तो ये आपके पास एरर आ गया परसेंटेज में, इसे बोलते हैं परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर इज रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100, या फिर रिलेटिव एरर एक्सप्रेस इन परसेंटेज इज कॉल्ड एज परसेंटेज एरर। यहां तक क्लियर है? पक्का? इज देयर एनीवन जिसको ये अभी तक समझ में नहीं आया? आई विल रिपीट, क्योंकि ये बेसिक, बहुत बहुत बेसिक चीज है, लगने वाला है अभी, राइट? इज दिस क्लियर? ओके, सो अब हमने देखा था व्हाट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स को आप प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स भी बोल सकते हो। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, इसमें हमने कल पहला देखा था, याद है, एरर इन सम एंड डिफरेंस, राइट? तो एरर इन सम एंड इन डिफरेंस। तो अब यहाँ पे आइडिया ये है कि अगर मेरे पास दो मेजरमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है ए, इसमें एरर है डेल्टा ए, मेरे पास दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है बी, इसमें एरर है डेल्टा बी, मैं इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक नया फिजिकल क्वांटिटी बना रहा हूँ, जिसको बोल रहा हूँ मैं जेड, क्योंकि ए में एरर था और बी में एरर था, तो ए प्लस बी करोगे तो नया फिजिकल क्वांटिटी बनेगा, उसमें भी क्या आएगा, एरर आएगा, राइट? तो एरर का कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पे, या फिर एरर का प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन मतलब फैलना। एरर इन वन क्वांटिटी, एरर इन सेकेंड क्वांटिटी, एडिंग दीज टू क्वांटिटीज यू गेट एरर इन थर्ड क्वांटिटी, करेक्ट? तो अब अगर ए में एरर डेल्टा ए है तो हम ऐसा लिखते हैं इसको, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। बी में एरर अगर डेल्टा बी है तो हम लिखते हैं बी प्लस माइनस डेल्टा बी। जेड में एरर होगा तो कैसे लिखोगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू, लेकिन जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, और ए क्या है, ए है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी क्या है, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, करेक्ट? देन ए प्लस बी ये क्या था, जेड था, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, ये z और z हो गया कैंसल आउट। तो हमारे पास आया, व्हाट यू हैव इज डेल्टा z विथ प्लस और माइनस इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो इसके चार कॉम्बिनेशन बन गए, एक कॉम्बिनेशन है प्लस डेल्टा a, जस्ट अ मिनट, तो हमारे पास चार कॉम्बिनेशन है, यू हैव फोर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, ओके, तो आपके पास चार कॉम्बिनेशन है, तो चारों कॉम्बिनेशन हम देखेंगे। एक होगा प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एक होगा प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी माइनस माइनस डेल्टा बी। तो चारों में से एरर इन जेड कौन सा, तो हम बोलते हैं कि ये चारों के चारों वेरी स्मॉल वैल्यूज है, क्योंकि एरर इज नॉर्मली वेरी स्मॉल। तो जो मैक्सिमम एरर होगा इसको हम बोल देंगे, ये ले लो, सो वी कंसीडर द मैक्सिमम एरर। तो एरर इन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, करेक्ट? यहां तक क्लियर? यहां तक हमारा लास्ट सेशन में हुआ था। तो नाउ टूडे we will see second type of combination of error, error in multiplication, matlab product and division. So second type is error in product, matlab multiplication and in division. ab isko aapke notes mein title mein maine kya likha hai, I get to see error in product and in division, ek hi baat hai, okay? गुड, देन जैसे हमारे पास ए क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटी था, बी क्वांटिटी ये दूसरा फिजिकल क्वांटिटी था, लेकिन जब आप एड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो
एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है दोनों फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम टाइप, जैसे दोनों डिस्टेंस, दोनों टाइम, दोनों स्पीड, दोनों फोर्स. तो जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो तो इन दैट केस दोनों फिजिकल क्वांटिटी शुड बी ऑफ द सेम टाइप. लेकिन मल्टीप्लीकेशन के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है. वाई? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे पूछा फोर्स का फॉर्मूला बताओ, व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन. मतलब मास इज वन फिजिकल क्वांटिटी और एक्सेलरेशन ये दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है. आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नया फिजिकल क्वांटिटी बना लिया. व्हाट इज वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्टेंस. सिमिलरली फोर्स ये एक फिजिकल क्वांटिटी था, ये दूसरा है, आपने दोनों को मल्टीप्लाई करके तीसरा बना लिया. व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो आपने एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे से डिवाइड करके तीसरा बना लिया. तो जैसा एक रूल था a प्लस बी या a माइनस बी, में a और b दोनों सेम टाइप के चाहिए, लेंथ लेंथ, टाइम टाइम, स्पीड स्पीड, राइट? यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है. यहाँ पे दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम टाइप के हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. नॉर्मली नहीं होते. जैसे मास एंड एक्सेलरेशन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड टाइम. एक्सेलरेशन फाइंड करूंगा तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, करेक्ट? तो यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है. तो यहाँ पे हम वो पॉइंट मेंशन नहीं करेंगे, कंसीडर टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी ऑफ द सेम टाइप. से बोलेंगे कंसीडर टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी विथ एरर डेल्टा ए एंड डेल्टा बी. तो हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक है ए एक है बी. अब जैसे जो रूल, जो फॉर्मूला, एरर का फॉर्मूला ए प्लस बी के लिए आया था, वही एरर का फॉर्मूला आया था ए माइनस बी के लिए. यहाँ पे सिमिलरली जो एरर का फॉर्मूला ए मल्टीप्लाइड बाय बी के लिए आएगा, वही आएगा ए अपॉन बी के लिए. तो हम वापस एक ही इसमें डिराइव करेंगे और दूसरे को बोल देंगे सिमिलरली. तो हमारे पास ए एक फिजिकल क्वांटिटी है, हमारे पास बी ये दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है. ए में एरर है डेल्टा ए, तो मैं ए को लिखूंगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए. बी में एरर है डेल्टा बी, तो आई विल राइट डाउन बी प्लस माइनस डेल्टा बी. मुझे नया फिजिकल क्वांटिटी बनाना है जो है ए इंटू बी, ए मल्टीप्लाइड बाई बी, करेक्ट? तो जेड, जैसे ए को ए प्लस माइनस डेल्टा ए लिखते हो, जेड को क्या लिखोगे? जेड को क्या लिखोगे? जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड. A, what is A? A is A plus minus delta A. A is A plus minus delta A. And B is B plus minus delta B. यहां तक क्लियर? Okay, good. तो अब Z plus minus delta Z equal to A into B. A plus minus delta B. प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी. क्लियर यहां तक? देन व्हाट इज ए इंटू बी? जेड. तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए इंटू बी इज अगेन जेड प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी. जेड और जेड हो गया कैंसल, तो आपके पास आएगा डेल्टा जेड इक्वल टू व्हाट इज दिस? प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी. ये इंटू है हा? तो डेल्टा ए मल्टीप्लाइड बाई बी अलग है. तो मैं काम करता हूं, मैं इसको लिखने के लिए ऐसा लिख दूंगा बी इंटू डेल्टा ए. कुछ नहीं है, बी पहले लिखो, बी बाद में लिखो. व्हाट इज टू इंटू थ्री? व्हाट इज थ्री इंटू टू? व्हाट इज ए इंटू डेल्टा बी? ए इंटू डेल्टा बी इज डेल्टा बी इंटू ए. बी इंटू डेल्टा इज डेल्टा ए इंटू बी. फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके. तो यहां तक आ गए हम लोग. अभी आखिरी टर्म क्या था? डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी. यहां तक समझा? फिजिक्स तो कुछ है नहीं, मैथ्स ही है यहाँ पे, तो इट्स ऑल मैथमेटिक्स. अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जैसे हम जब एडिशन कर रहे थे तो उस केस में
डेल्टा ए, ये डायरेक्टली आ गया था डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। देखो पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो, ए ये अलग मेजरमेंट है, बी ए अलग मेजरमेंट है। तो जब हम एरर की बात करते हैं तो जहां पे डेल्टा ए हो उसके साथ डेल्टा बी नहीं हो सकता, क्योंकि दो अलग अलग मेजरमेंट है। यहाँ पे वैसा आया ही नहीं था, यहाँ पे स्ट्रेट अवे डेल्टा ए अलग था डेल्टा बी अलग था। लेकिन यहाँ इन दिस केस हमने जब डेल्टा जेड फाइंड किया तो प्रॉब्लम क्या आ गया कि डेल्टा बी ए से मल्टीप्लाइड है, डेल्टा ए बी से मल्टीप्लाइड है, तो नहीं चलेगा, इनको सेपरेट करना पड़ेगा। तो सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, एक काम करेंगे, हम बोलेंगे डिवाइड बाय जेड ऑन बोथ साइड्स। तो हम दोनों साइड पे जेड से डिवाइड कर लेंगे, हर एक टर्म को जेड से डिवाइड कर लेते हैं। तो लेट अस डू दिस, हमने हर एक टर्म को डिवाइड कर दिया जेड से, पर जेड क्या था, ए इंटू बी, जेड था ए इंटू बी। इसको ऐसे रखने वाले हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड हम ऐसा ही रखेंगे। What is delta z upon z? Which type of error? Fractional error. So, this is what you should know, कि जब आप दो टर्म का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो तो आप डायरेक्टली क्या फाइंड करते हो, एरर इन z. लेकिन जब आप दो फिजिकल क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन या डिविजन फाइंड करते हो, when you multiply or divide a and b, आप डायरेक्टली एरर इन z नहीं फाइंड कर सकते, तो आप क्या फाइंड कर रहे हो, fractional error, मतलब relative error. So if you have two physical quantities which are added or subtracted, you can directly find out error in the new quantity, that is delta z. पर जब दो physical quantity का multiplication या division हो तो हम directly error नहीं find कर सकते, तो हम क्या find करते हैं, relative error, right? तो आगे काम में आएगा, relative error कब find करोगे, रिलेटिव एरर कब फाइंड करेंगे, व्हेन यू हैव प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। और आप डायरेक्टली एरर कब फाइंड करोगे, व्हेन यू हैव एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज। यहां तक क्लियर, गुड। तो अब राइट हैंड साइड पे जो जेड था उस जेड की जगह पे हम सब्सटीट्यूट करने वाले हैं ए मल्टीप्लाइड बाय बी, क्योंकि यहां से ए ए हो गया कैंसल। यहां पे हम लिखेंगे बी डेल्टा ए और जेड की जगह पे ए इंटू बी, बी भी हो गया कैंसल, प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी, जेड क्या है ए इंटू बी, करेक्ट, राइट। तो डेल्टा बी बाय बी हो गया सेपरेट, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था, सेपरेट नहीं था, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन था, ए और एरर इन बी का मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे बी और एरर इन ए का मल्टीप्लिकेशन था। हमने जैसे ही जेड से डिवाइड किया तो डेल्टा बी बाय बी हो गया और डेल्टा ए बाय ए हो गया। प्रॉब्लम क्या आ गया, सिर्फ यहाँ पे लास्ट टर्म में, लास्ट टर्म में क्या है, दोनों के रिलेटिव एरर का प्रोडक्ट है, रिलेटिव एरर का प्रोडक्ट है, डेल्टा ए बाय ए इनटू डेल्टा बी बाय बी। लेट अस टेक वन एग्जांपल, समझेगा आगे, इसके आगे बाद में समझेगा, पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक मेजरमेंट किया, मेरा मेजरमेंट था लेट अस से 1.00 सेंटीमीटर। अब अभी तक आपको 10 तक आपके लिए 1.0 1.00 1.000 ये सब सेम था, सेम था, ऑल ऑफ दिस हैव वैल्यू 1, पर अभी इसके आगे सेम नहीं रहेगा, दिस आर नॉट सेम। क्यों, क्योंकि जब आप 0.0 लिखते हो मतलब आप एक इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी बता रहे हो। सपोज मेरे पास सेंटीमीटर स्केल था, सेंटीमीटर स्केल में 2.1 के बाद क्या आता है, 2.2, करेक्ट, उसके बाद क्या आता है, तो अगर आप वहां पे 2.2 लिख रहे हो, 2.3 लिख रहे हो, 2.4 लिख रहे हो, मतलब डेसिमल के बाद एक नंबर लिख रहे हो, तो आप क्या बता रहे हो, आप बता रहे हो इसका एरर आएगा 0.1, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन टू रीडिंग्स इज 0.1। तो यहाँ पे 1.0 लिखने का क्या मतलब हो गया, एरर कितना आएगा, 0.1।
1.00 लिखा मतलब क्या आएगा, 0.01, 1.000 मतलब 0.001। तो अभी 10th तक का जो ये देखा है, वन इज वन, दिस इज नॉट द सेम, दे आर नॉट सेम, ये अलग अलग चीजें हैं। ये आपको बताता है कि यहाँ पे आपने कम एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट यूज किया था, ये आपको बता रहा है कि आपने यहाँ पे ज्यादा एक्यूरेट यूज किया, मतलब सेंटीमीटर स्केल जैसा। यहाँ पे आपने वर्नियर कैलिपर जैसा यूज किया और एक्यूरेट, यहाँ पे आपने स्क्रू गेज जैसा यूज किया है, राइट। तो इवन जस्ट रीडिंग मेजरमेंट सिर्फ वैल्यू बता सकता है कि व्हाट यू हैव। अब डू यू रिमेम्बर, मैंने अभी बता दिया। तो ये अगर मेरा रीडिंग है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई रीडिंग, राइट, मेरा ये रीडिंग है ए, इसमें एरर कितना 0.001, मतलब कितना 10^-3, करेक्ट। तो मैं डेल्टा ए बाई ए अगर लिखता हूं तो मुझे कितना मिलेगा 10^-3। सिमिलरली मेरे पास और एक रीडिंग था बी, और बी था 2.000, ओके, इसमें एरर कितना 0.001। तो डेल्टा बी बाई बी क्या आएगा, वापस से 10^-3। मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, डेल्टा ए by A into delta B by B, तो कितना आएगा 10^-6। 10^-6 मतलब 0.000001, बहुत छोटा है कि नहीं, वेरी स्मॉल। तो यू कैन फिजिक्स में बहुत छोटे नंबर को क्या करते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर करते हैं। तो यहां हमारे पास पिछले इक्वेशन में डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा बी अपॉन बी आया, तो क्या करेंगे, इग्नोर, राइट। उसका रीजन देना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, सिंस डेल्टा ए बाय ए एंड डेल्टा बी बाय बी बोथ आर वेरी स्मॉल, बोथ आर वेरी स्मॉल, देयरफॉर डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा बी अपॉन बी विल बी इवन स्मॉलर एंड कैन बी निग्लेक्टेड। इसको आप इग्नोर कर सकते हो, कैन बी निग्लेक्टेड। यहां तक क्लियर? तो हमेशा याद रखो, फिजिक्स या मैथ्स में ऐसा डायरेक्ट नहीं बोल सकते, नहीं मैं पहले दो टर्म दूंगा, तीसरा छोड़ दूंगा, रीजन बताना पड़ेगा। यू हैव टू टेल वाई यू आर निग्लेक्टिंग अ टर्म। तो निग्लेक्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी दोनों छोटे थे, उसका प्रोडक्ट और भी छोटा हो गया, तो निग्लेक्टेड। तो अब क्या बचा हमारे पास, डेल्टा जेड बाय जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपको पहले डेल्टा ए बाय ए लिखना है और बाद में डेल्टा बी बाय बी लिखना है, तो डजंट मेक एनी डिफरेंस, राइट। तो जैसे पिछले केस में डेल्टा जेड के चार कॉम्बिनेशन थे, यहाँ पे डेल्टा जेड अपॉन जेड के चार कॉम्बिनेशन आएंगे। कौन कौन से चार, डेल्टा ए अपॉन ए और यहाँ पे डेल्टा बी अपॉन बी, ओके। तो इसके चार कॉम्बिनेशन आएंगे, और वो कैसे आएंगे, तो विल सी। सेम टाइप प्लस प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस एंड माइनस। तो सबसे बड़ा कौन सा, प्लस प्लस मतलब डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, देयरफॉर जो सबसे ज्यादा रिलेटिव एरर होगा, पिछले केस में सबसे ज्यादा एरर था, इस केस में सबसे ज्यादा रिलेटिव एरर है, इसको लिखेंगे हम लोग डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। तो यहां पे आ गया आपके पास फ्रैक्शनल एरर इन प्रोडक्ट एंड इन डिवीजन। तो जो रूल मल्टीप्लीकेशन के लिए वही रूल डिवीजन के लिए, जो रूल सम के लिए वही रूल डिफरेंस के लिए। सम एंड डिफरेंस में आप डायरेक्टली एरर फाइंड करते हो, प्रोडक्ट और डिवीजन में आप
रिलेटिव एरर फाइंड करते हो, तो जब जब प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो कौन सा एरर फाइंड करोगे? विच एरर? रिलेटिव एरर। जब एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तो एरर। तो ये डिफरेंस याद रखना, आगे जाके काम में आएगा, बहुत ज्यादा काम में आएगा। मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल बताता हूँ, सॉल्व नहीं करेंगे। आपको ऐसा बोला होगा, इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, क्योंकि मैं सिंपल पेंडुलम का ऑलरेडी एग्जाम्पल देख चुके हैं, इसके लिए वही एग्जाम्पल लेता हूं। द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेजर टू बी 1.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो प्लस माइनस 0.1 भी बोल सकते हो, आपके ऊपर है, एनी नंबर यू कैन टेक। तो एरर इन लेंथ कितना? 0.1, तो डेल्टा कितना? 0.1, राइट, करेक्ट। और आपको बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मेजर्ड, मेजर्ड मेजर मतलब एरर आएगा, कॉन्स्टेंट बोला क्या मैंने? नहीं, मेजर्ड इज मेजर्ड टू बी 9.80 सेंटीमीटर। देखो लिखने का डिफरेंस देखो, एक में एरर बताया है, एक में सिर्फ नंबर बताया, आपको फाइंड करना है। तो एरर कितना आएगा? 0.01, डेसिमल के बाद कितने नंबर है? दो, तो एरर कितना है? 0.01। तो जेई नीट में ऐसा चलता रहेगा, ऐसा करते रहेंगे, वो नंबर दे देंगे एक में विथ एरर और एक में बोलेंगे ये इतना रीडिंग है, कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि यू विल थिंक हाँ यहाँ पे एरर लिखा है तो किसका एरर लेंगे? सिर्फ लेंथ का। यहाँ पे एरर लिखा नहीं है तो इसको क्या लोगे? कॉन्स्टेंट। लेकिन बोला क्या था? इज मेजर्ड टू बी, मेजरमेंट किया तो क्या आएगा? एरर आएगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स दे विल मैटर। अब आपको पूछा है फाइंड आउट व्हाट इज द एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का इक्वेशन याद है 2π√L/g, 2π कांस्टेंट है, मैं इसको कांस्टेंट मान के चल रहा हूं, तो ये आ गया कांस्टेंट। कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट में कोई एरर नहीं होता। मैं तुमसे पूछूंगा व्हाट इज एरर इन नंबर 2, व्हाट इज एरर इन नंबर 2? जीरो, क्योंकि वो क्या है? कांस्टेंट है। k क्या है? कांस्टेंट है, राइट। कांस्टेंट एरर आता है क्या? नहीं। देन अगर मुझे एरर इन p फाइंड करना है, p क्या है? क्या है? एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है? डिवीजन। तो मैं कौन सा एरर फाइंड करूंगा? रिलेटिव एरर। तो डेल्टा t / t इक्वल टू डेल्टा, देखो जब z इक्वल टू a इंटू बी या a अपॉन b था तो क्या आया? डेल्टा z / z, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो t अगर इक्वल टू l अपॉन g है तो क्या आएगा? डेल्टा t अपॉन t इक्वल टू डेल्टा l अपॉन l प्लस डेल्टा g अपॉन g, राइट। ये आधा ट्रू है आधा गलत है, वो आधा गलत क्यों है वो आगे समझेगा, आप से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये क्या है? रूट है, ओके, वो हम आगे उस पे आएंगे। तो डिफरेंस समझ में आया कहाँ पे डायरेक्टली एरर फाइंड करते हैं? सम या डिफरेंस में, और कहाँ पे रिलेटिव फाइंड करते हैं? प्रोडक्ट या डिवीजन में। गुड, वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस, मे बी टुडे मे बी नेक्स्ट सेशन, बट वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन इट। अब इसको और एक बार हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, we will look at it again once again in detail. So kaun sa topic tha? Errors in isme product and division, right? So product and division mein do same physical quantity hona necessary hai kya? Nahi. Jaise pichle case mein tha waisa hai kya? Nahi. To hum bolenge suppose consider two physical quantities a and b, याद रखना हमने वहां पे बोला था of the same type, यहां पे बोलने की जरूरत है? लास्ट टॉपिक में क्या बोला था? कंसिडर टू फिजिकल क्वांटिटीज a एंड b ऑफ सेम टाइप, यहां पे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हो सकता है नहीं हो सकता है। Consider two physical quantities A and B.
with respective errors delta A and delta B. Therefore A will be equal to, मतलब A को कैसे लिखोगे? A को लिखोगे A plus delta A and B को कैसे लिखोगे? B plus delta B. Plus मतलब plus minus. So therefore A and B can be written as A plus minus delta A and B plus minus delta B. Then let, हम जो नया क्वांटिटी बना रहे हैं, कौन सा बना रहे हैं? Z. Let Z is equal to A into B or Z equal to A upon B. मैं सिर्फ A into B के लिए सॉल्व करूंगा, A upon B के लिए हम सिमिलरली बोल के कर देंगे. तो अब therefore Z in terms of, या फिर along with errors, Z along with errors can be written as कैसे लिखोगे इसको? इसको लिखोगे आप Z plus minus delta Z. फिर A को भी क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? A plus minus delta A. और B को क्या लिखेंगे? B plus minus delta B. जैसे ही आपने एक साइड पे एरर लिखा तो आपको दूसरे साइड पे भी सारे के सारे टर्म्स में एरर लिखना पड़ेगा, इट इज कंपलसरी. अब ऐसा नहीं कर सकते सिर्फ लेफ्ट साइड पे एरर लिख दिया राइट पे नहीं लिखा, सिर्फ राइट में लिख दिया दूसरे साइड पे नहीं लिखा, सिर्फ ए में लिखा बी में नहीं किया, ऐसा नहीं चलता. इट यू हैव टू डू सेम फॉर एवरी फिजिकल क्वांटिटी. यहां तक क्लियर? इसके बाद क्या किया था? And in class, you should pay attention here. Notes तो घर पे पढ़ ही सकते हो, अभी ध्यान दो. क्या किया था इसके बाद? Multiplication. इसमें दो terms, इसमें दो terms. So कितने terms? चार. So you will write down. Therefore, Z plus minus delta Z equal to A into B plus minus A into delta B. प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी, लेकिन मैं बी को लिख लेता हूं पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी. क्लियर? देन जेड और ये ए बी दे आर सेम, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू जेड है, ए बी इज इक्वल टू जेड है, तो काम करते हैं. यहाँ पे जो ए बी था उसको मैं लिख देता हूं Z. कहां से आया? यहां से, राइट? तो ए बी और ये ए बी के यहाँ पे कौन आ गया? Z. एक Z राइट हैंड साइड पे है, एक लेफ्ट हैंड साइड पे, तो क्या होगा? कैंसल. तो हमारे पास बचेगा therefore प्लस माइनस क्या? डेल्टा Z इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी. गुड. देन व्हाट? मैंने अभी बताया डिवाइड. जब भी ए इंटू बी या ए अपॉन बी हो तो डायरेक्टली एरर मिलता ही नहीं है, तो कौन सा एरर मिलता है? रिलेटिव एरर में अपॉन में कौन होता है? ओरिजिनल क्वांटिटी. ये तो एरर है ना, क्यों? कौन सी क्वांटिटी में एरर है? जेड में. तो डिवाइड में क्या करेंगे? जेड. तो डिवाइड बाय जेड ऑन बोथ साइड्स, डिवाइड बाय जेड ऑन बोथ साइड्स. देयरफॉर यू हैव प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपॉन जेड प्लस माइनस बी डेल्टा ए अपॉन जेड प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन जेड. लेफ्ट हैंड साइड को तो जेड को जेड रहने दो, राइट हैंड साइड में जेड के जगह क्या डालोगे? ए इंटू बी. देयरफॉर
plus minus delta z upon z plus minus a delta b upon a into b. A or a cancel. Plus minus b delta a upon a into b. B or b cancel. Plus minus delta a upon a delta b upon b. क्योंकि z क्या है a into b. Clear? Good. Then I told you किसको neglect करना है. Last term को क्यों neglect करना है. Very small. Since delta a upon a and delta b upon b both are small. Therefore delta a by a into delta b by b can be ignored, मतलब neglected. इसको neglect कर दिया तो अब right hand side पे दो ही terms बचेंगे. तीसरा तो गया, तो आप लिखोगे therefore plus minus delta z upon z equal to plus minus delta a upon a. मुझे पता है पहले delta b लिखा था, कोई फर्क नहीं पड़ता. आप delta a upon a पहले लिखो, delta b upon b पहले लिखो, is the same thing. गुड, क्लियर यहां तक, राइट? देन कितने कितने कॉम्बिनेशन आएंगे? फोर. कौन कौन से फोर? देयरफॉर वी हैव फोर कॉम्बिनेशंस. कौन कौन से फोर? एक है हमारे पास प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, राइट? और इन चारों में से जो सबसे ज्यादा होगा उसको बोल देंगे हम कंसिडर करने वाले हैं सबसे ज्यादा को. सो व्हाट वी कैन से इज वी विल कंसिडर प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी एज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एरर होगा. दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं हो सकता. वैसे एरर होता ही स्मॉल है, तो हमने क्या किया, स्मॉल में चार कॉम्बिनेशन में चारों स्मॉल में सबसे बड़ा जो होता है उसको ले लिया. तो मैक्सिमम एरर, क्योंकि क्या होता है अल्टीमेटली रीडिंग लेने के बाद मेजरमेंट लेने के बाद जो एरर आएगा वो तो चार वैल्यू मिल गई. फिर हम लोग कंफ्यूज, अभी छोटा एरर ले, ये ले, वो ले, हाँ ज्यादा से ज्यादा जो है वो ले लो, खत्म. तो यू टेक मैक्सिमम एरर, दैट इज डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, राइट? नाउ दैट क्लियर? देयरफॉर फ्रैक्शनल एरर इन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी. यहां तक क्लियर, राइट? तो अब दो हमारे हो गए, एक हो गया एरर्स इन सम एंड डिफरेंस, एक हो गया एरर्स इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन. अब जो तीसरा है, थर्ड वन इज विच वन? एरर्स ड्यू टू पावर्स ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी. पावर मतलब इंडेक्स. ये बहुत सिंपल है. ये सिंपल क्यों है? क्योंकि ये इसी से आता है. अभी देखा ना प्रोडक्ट, राइट? तो अब बिफोर वी गो टू नेक्स्ट टॉपिक, उससे पहले एक बात बताओ. अगर मेरे पास z इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी होता तो व्हाट इज रिलेटिव एरर इन z? डेल्टा a अपॉन a. अब देखो डेल्टा a अपॉन a मतलब रिलेटिव एरर इन a प्लस अभी 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 कैसा प्रोनाउंस करोगे, रिलेटिव एरर इन b प्लस रिलेटिव एरर इन c, करेक्ट?
है वही डेल्टा ए बाय ए, डेल्टा बी बाय बी, डेल्टा सी बाय सी, इसी को भी बोलेंगे रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी प्लस रिलेटिव एरर इन सी, क्योंकि ये आपका जे डबल नीट का सीईटी का लैंग्वेज है. दे विल नॉट टेल यू डेल्टा ए अपॉन ए, वो बोलेंगे रिलेटिव एरर इन ए. तो व्हाट इज रिलेटिव एरर इन ए? डेल्टा ए अपॉन ए. गुड. अब इमेजिन मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है Z, जो एक अनदर फिजिकल क्वांटिटी A का क्यूब है. आगे वो थर्ड टॉपिक इंडेक्स था. हाँ, क्या टॉपिक टाइटल क्या था? टाइटल था एरर्स ड्यू टू पावर्स ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी. मेजर्ड क्वांटिटी कौन? A. उसका पावर कौन? 3. मुझे फाइंड करना है अगर मेरे पास A में एरर है डेल्टा A. इफ आई हैव फिजिकल क्वांटिटी ए विथ एरर डेल्टा ए, राइट, मैंने नया क्वांटिटी बनाया जो ए रेस टू 3 है, तो व्हाट इज एरर इन जेड? तो हम क्या करेंगे, हमको रूल नहीं पता, बनाना है रूल. हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे ए इंटू ए इंटू ए. लेकिन ए इंटू बी के लिए तो रूल बना के रखा है हमने. क्या था ए इंटू बी के लिए रूल? अगर जेड इक्वल टू ए भी है तो रिलेटिव एरर इन जेड इज रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी. तो अगर मेरे पास जेड इक्वल टू ए इंटू ए इंटू ए है तो व्हाट विल बी रिलेटिव एरर इन जेड? इट विल बी रिलेटिव एरर इन ए प्लस अगेन रिलेटिव एरर इन ए प्लस अगेन रिलेटिव एरर इन ए. तो कितनी बार आ गया? 3 टाइम्स. तो डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाय ए, करेक्ट. अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे भी क्या होता? 4, राइट, वेरी गुड. देन सिमिलरली अगर यहाँ पे हमारे पास n होता 5, 6, 7, 8 सम नंबर n, तो यहाँ पे क्या आएगा? करेक्ट. तो ऐसा आप फाइंड करते हो व्हाट इज एरर इन पावर्स ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी. तो ये तीसरा है, थर्ड टाइप एरर इन पावर. पावर्स मतलब क्या? इंडेक्स. एरर इन पावर्स इंडेक्स. इंडेक्स किसका? ऑफ या ड्यू टू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी, ऑफ अ मेजर्ड क्वांटिटी. Right. So let A be a measured quantity with error delta A. Let A be a measured quantity. और मैंने उसी दिन बताया नोट्स का लैंग्वेज थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि वो ज्यादा डिटेल्ड में है. मुझे यहाँ पे इतना डिटेल जरूरत नहीं है बिकॉज बाकी सब आप घर पे रीडिंग करने ही वाले हो. तो डेल्टा A be a measured quantity with error. कितना एरर था इसका? ए में एरर कितना था? कितना था? डेल्टा ए. हमने क्या किया, हमको नया क्वांटिटी चाहिए. कौन सा क्वांटिटी? जेड. लेट जेड इक्वल टू ए क्यूब. देयरफॉर जेड इक्वल टू ए इंटू ए इंटू ए. देयरफॉर रिलेटिव एरर इन जेड, रिलेटिव एरर इन जेड इज डेल्टा जेड by z equal to a into b होगा तो relative error in a plus relative error in b. a into a into a है तो relative error in a plus relative error in a plus relative error in a. मतलब यह आ जाएगा 3 times of relative error in a. आपने यहां तक कर दिया तो बाद में सिर्फ बोलना similarly. Similarly, अगर Z equal to, similarly for Z equal to A raised to N, तो delta Z upon Z is N into delta A upon A. आ गया? Yes? यहां तक clear? तो अभी तक हमने जो कुछ सीखा उसको हम एक छोटे से टेबल में समराइज करेंगे. सिर्फ एक फॉर्मूला रह गया, वो भी पहले देख लेते हैं.
नोटेशन में आपके नोट से यूज कर लेता हूँ. तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है ए जिसमें एरर है डेल्टा ए, दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है बी जिसमें एरर है डेल्टा बी, तीसरा क्वांटिटी है सी जिसमें एरर है डेल्टा सी. ए का पावर पी लेता हूँ, बी का क्यू लेता हूँ, सी का आर लेता हूँ, ये नया क्वांटिटी बन गया, उसको बोल देता हूँ जेड. ए वॉज वन फिजिकल क्वांटिटी, बी वॉज अनदर फिजिकल क्वांटिटी, सी वॉज अनदर फिजिकल क्वांटिटी, पी क्यू आर ये सिर्फ नंबर्स है, देर ओनली नंबर्स. ओके जस्ट अ मिनट अ वेरी शॉर्ट ब्रेक. Noise cancellation break. Anyways, right? Correct. A raised to n का क्या रूल? अगर मुझे एरर इन z फाइंड करना है, A raised to n का क्या रूल था? N times relative error of A. तो यहाँ पे A raised to क्या है? P. तो इसका रूल क्या है? P times of relative error in A. प्लस q टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर इन b प्लस r टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर इन c आ गया. गुड. तो व्हाट एल्स डू यू सी? क्वांटिटी न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, इसका मतलब ये जो c रेस टू r है इसको मैं अगर न्यूमरेटर में लेके भी जाता तो c रेस टू क्या होता? माइनस r. इसका मतलब इंडेक्स प्लस हो या माइनस हो, रिलेटिव एरर में क्या लिखते हो? प्लस. तो डजंट मैटर इंडेक्स पॉजिटिव है या इंडेक्स नेगेटिव है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब फिजिकल क्वांटिटी न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है, एरर मेजरमेंट में हमेशा क्या लोगे? प्लस. यहां तक क्लियर? करेक्ट. तो अब तक हमने जो कुछ सीखा उसको एक छोटे से टेबल में हम लोग समराइज कर सकते हैं. टेबल में एक साइड पे होगा क्वांटिटी, दूसरे साइड पे होगा एरर इन दैट क्वांटिटी. तो लेट अस क्विकली समराइज. ऐसा करना जरूरी है बिकॉज हम नेक्स्ट सेशन में डायरेक्टली न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे. तो न्यूमेरिकल्स में मैं किसी को भी पूछूंगा बताओ फॉर्मूला, मतलब पढ़ के आना है. इन शॉर्ट फिजिकल क्वांटिटी एंड एरर इन दैट फिजिकल क्वांटिटी. तो हम स्टार्ट करते हैं वेरी बेसिक, राइट. तो जो आपने यहाँ पे पहला है वही पहला फिजिकल क्वांटिटी है जेड इक्वल टू ए प्लस बी. व्हाट इज एरर? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. दूसरा क्वांटिटी है z इक्वल टू a माइनस बी. व्हाट इज एरर? डेल्टा a माइनस डेल्टा b. प्लस. वेरी गुड. जाग रहे हो. गुड. वेरी गुड. मैं अगर मेरे पास जो भी मैं टेबल में होगा वट एवर इट इज आई डोंट नो व्हाट इज नेक्स्ट आई एम जस्ट राइटिंग a इनटू b एंड देन A divide by B, A upon B. अब can I say what is error? No. I will have to say what is relative error. What is relative error in Z? A is equal to relative error in A plus relative error in B. ये दोनों के लिए आ जाएगा same. इसके लिए भी वही और इसके लिए भी वही. Correct? Good. Then बाद में हम कोई नया फिजिकल क्वांटिटी भी बना देंगे. अब फिलहाल जो टेबल में है वो देखते हैं. a raise to n, a raise to n. What is relative error in z? n into relative error in a. Then last but not the least, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं. You can have so many of this. Okay, तो बहुत सारे बन सकते हैं. ऐसे हम देखेंगे. We will see others. When we solve numericals, तो बाद में देखा जाएगा. Give me a minute. Bye. Oh, good. Back. Then.
एक लास्ट वन लास्ट वी विल मेक सम कॉम्बिनेशन, हम लोग ही बना लेते हैं सब कॉम्बिनेशन. आप मुझे बता दो कोई भी एक कॉम्बिनेशन बता दो. टेल मी एनी कॉम्बिनेशन जेड इक्वल टू, बताओ एनी कॉम्बिनेशन एनी वन जेड इक्वल टू ए रेस टू एक्स. ओके ए रेस टू एक्स, बी रेस टू वाई अपॉन सी रेस टू जेड इंटू डी रेस टू पी एम. ठीक है एम एम ओके. इन दिस केस डेल्टा जेड बाय जेड रिलेटिव एरर इन जेड, ऐसे जेई नीट में भी आता है और वो क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व होता है. एक्स इंटू डेल्टा ए बाय ए प्लस वाई इंटू डेल्टा बी बाय बी प्लस जेड इंटू डेल्टा सी बाय सी प्लस एम इंटू डेल्टा डी बाय डी. करेक्ट राइट. अब क्वेश्चन ऐसा नहीं बोलेंगे आपको, आपको बोलेंगे एक फिजिकल क्वांटिटी है जेड विच डिपेंड्स ऑन लाइक, तो उसका फॉर्मूला दे देंगे ए रेस टू टू बी रेस टू थ्री बाई टू अपॉन सी रेस टू फाइव डी रेस टू सेवन. इफ द एरर रिलेटिव एरर इन ए या फिर परसेंटेज एरर इन ए इज 1%, परसेंटेज एरर इन बी इज 2%, परसेंटेज एरर इन सी इज 3%, परसेंटेज एरर इन डी इज 4%. तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जो ए रेस टू टू है, बी रेस टू वन बाई थ्री है, ऐसा कुछ तो नंबर देंगे, सी रेस टू फोर है, डी रेस टू फाइव है, समथिंग. और बताएंगे परसेंटेज एरर इन ए, व्हाट इज परसेंटेज एरर इन ए, डेल्टा ए बाय ए मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 1%. परसेंटेज एरर इन बी इज 2%, परसेंटेज एरर इन सी इज 3%, परसेंटेज एरर इन डी इज 4%. What is total percentage error in Z? क्या करना, जो ऊपर का पावर है 2, A में कितना परसेंट एरर प्लस, क्योंकि माइनस तो होता नहीं, देख रहे माइनस नहीं, 1/3. What is percentage error in B? 2. Plus, what is percentage error in C? 3. Plus, what is percentage error in D? 4. So 2 + 2/3 प्लस 12 + 20, 32 into 34 प्लस 2/3. How much is this? 34 थीटा कितना होता है? 102 में 2 ऐड करोगे 104/3 जितना भी आएगा 34 के आसपास 35 के आसपास राइट. So this is how you can find out what is percentage error in a given physical quantity. So ऐसे type के numericals हम करेंगे next session में.